रिटर्न काफी ज्यादा एप्स हो चुके हैं पेमेंट्स के लिए जिसे हम निगोबैक्स कहते हैं, जैसे कि फैम पे, उसके बाद मूविन, जूनियो, ऐसे काफी ज्यादा एप्स हो चुके हैं। इन सभी के हमें कार्ड मिलते हैं और मेरे पास इन सभी के फिजिकल कार्ड हैं। मैंने इनकी इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ क्या 2023 में ये सारे कार्ड शॉप पे वर्क करते हैं या फिर नहीं। मेरे पास वाइट मशीन है तो हम क्या करेंगे, सारे कार्ड का टैप टू पे चेक करेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट कन्वीनियंट वे वही रहता है अगर हम टैप टू पे करते हैं। तो मैंने सभी में 1-1 rupees ऐड कर लिए हैं और साथ में सभी के मैंने पेमेंट्स अलाउ कर दिया ताकि टैप टू पे वह करे। सो अब हम करते हैं सभी का शॉप पेमेंट टेस्ट और देखते हैं कौन से कार्ड 2023 में भी वह करते हैं और कौन से कार्ड नहीं करते। सो देखने वाली बात होगी। आपको पता होगा अब काफी एप्स में हमें एटीएम विड्रॉल फीचर भी देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह मैं सभी एप्स का एक साथ एटीएम विड्रॉ फीचर बनाऊं एटीएम विड्रॉ पे ताकि मैं टेस्ट करके दिखाऊं क्या विड्रॉ हो रहा है, उसके लिए इस वीडियो पे 100 likes होते वो वीडियो भी मैं बना दूंगा। काफी इजी, अगर आप सभी करेंगे अभी लाइक तो अभी हो जाएंगे। तो फटाफट से गोल कम्प्लीट कर दीजिए, उसके बाद वो वीडियो आ जाएगी। अब हम करते हैं शॉप पेमेंट टेस्ट। सो सबसे पहले हम करते हैं कूडो का टेस्ट। सो मैंने यहाँ पे 1 rupees एंटर कर दिया और नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक किया। सो मैंने कार्ड टैप किया और यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रही है। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है और कूडो का कार्ड वर्क कर गया। सो अगला हमारा कार्ड है फन ग्रो का कार्ड। इसमें अब मेन फोकस अर्निंग पे है। सो मैंने यहाँ पे 1 rupees एंटर किया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। सो ये कुछ आपको इस तरह हॉरिजॉन्टल कार्ड देखने को मिल जाएगा। मैंने टैप किया और यहाँ पे ट्रांजेक्शन इसके भी प्रोसेस हो रही है। सो आप जैसे कि देख सकते हैं ट्रांजेक्शन हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है और फन ग्रो का कार्ड भी वर्क कर गया। अगला कार्ड है 5 का कार्ड। आपको पता होगा इसके कार्ड पे होलोग्राम आता है। सो मैंने 1 rupees क्लिक करके एंटर किया और मैंने कार्ड टैप किया। इसका भी मैंने ऐप में से ऑन कर लिया था टैप टू पे फीचर। सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है और ट्रांजैक्शन फेल हो चुकी है। इसके बारे में अब मैं एंड पे बात करूंगा। अगला कार्ड है मूविन का कार्ड। ये कुछ इस तरह के डिजाइन वाला कार्ड है। इसके दो नए डिजाइन भी लॉन्च हो चुके हैं, मैं देखता हूँ उस पर वीडियो बनाऊँ। 1 rupees एंटर करके मैंने कार्ड टैप किया, ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है इसकी भी, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। सो मूविन का कार्ड भी वर्क कर गया। अगला कार्ड है हमारा ओमनी का कार्ड। आपको पता होगा इनका ये नया डिजाइन आया था बोर्ड ब्लैक कलर का। सो मैंने यहाँ पे भी 1 rupees एंटर किया और टैप किया। सो इसका भी मैंने ऐप में से ये फीचर ऑन कर लिया था। सो अब हम देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन होती है और ट्रांजेक्शन इसकी भी सक्सेसफुल हो चुकी है। अगला कार्ड है हमारा जूनियो का कार्ड। इस कार्ड में ना तो हमें टैप टू फीचर दिखता और ना स्वाइप का। सो एक ही ऑप्शन बची है इंसर्ट करने की। सो मैंने 1 rupees एंटर करके कार्ड इंसर्ट किया। सो मैं फटाफट से यहाँ पे अपना पिन एंटर कर देता हूँ। सो मैंने अपना 4-digit का पिन एंटर कर दिया जो मैंने बनाया था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है और देखते हैं क्या ये वह करेगा। सो ट्रांजैक्शन बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी है। अगला कार्ड है हमारा फैम पे का कार्ड। ये है नया फैम एक्स का कार्ड जो नए डिज़ाइन के साथ आता है। ये मेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन होने वाली है। 1 एंटर करके मैंने टैप किया। सो देखते हैं क्या ये वर्क करता है या फिर नहीं। सो ये है फैम पे का नया कार्ड। सो ये कार्ड भी वर्क कर गया और इसकी भी ट्रांजेक्शन बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी है। सो जैसा कि आपने देखा इनमें से सारे कार्ड वर्क किए लेकिन 5 को छोड़कर। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं आपको पता ही होगा 5 का कार्ड कुछ इस तरह से ही है, कभी कभी वर्क कर जाता है कई बार नहीं। ये नहीं हो सकता कि आपका भी वर्क ना करे, हो सकता है आपका वर्क कर जाए। सो ये डिपेंड करता है, कभी कभी हो जाता है। बाकी क्या रह रहा है मैं ट्राई करूंगा ताकि वो सॉल्व हो जाए। उसके बाद आपने देखा बाकी कार्ड का टैप टू पे वर्क कर गया लेकिन जूनियर कार्ड में टैप टू पे नहीं है। इनका जो मेटल कार्ड आता है सिर्फ उसमें टैप टू पे है और बाकी जो नॉर्मल जूनियर कार्ड है उसका हमें नॉर्मल पेमेंट करना पड़ता है। ये काफी गलत बात है, इतना टाइम हो चुका है अभी भी ये टैप टू पे का फीचर नहीं लेके आए। सो इनको ये जरूर से देखना चाहिए और बाकी कार्ड सीमलेसली वर्क करके। सो इस तरह से आप भी इनमें से कोई भी कार्ड यूज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इनमें से बेस्ट कौन सा है तो आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी, ये वाली जो मैंने पहले बनाई थी जिसमें मैंने बेस्ट ऐप चूज किया था। ये देख के आप पता कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो मैं मिलूंगा कल किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।